यूपी में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ओबीसी वोट बैंक की ताकत ऐसी है कि बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी अपनी ओर करने के लिए सारे सियासी दांवपेच आजमा रही है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का जातिगत समीकरण दिखाते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मची सियासी जंग दिखाते हैं। यूपी के जातिगत समीकरणों को देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है और सवर्ण जातियां 18% है, तो वहीं पिछड़े वर्ग की अगर संख्या देखी जाए तो 40% है, जिसमें से यादव 10% है, कुर्मी 5% है, मौर्य 5% है, मल्ला 5% है, लो 3% है, जाट 3% है, विश्वकर्मा 2% है, गुज्जर 2% है और 10% अन्य पिछड़ी जातियां हैं। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 18% है और मुस्लिम आबादी 19% है। 2017 चुनाव में ओबीसी वोट का बंटवारा किस तरह हुआ था वो भी आप देखिए। बीजेपी के हिस्से में 47% वोट आए थे, एसपी के खाते में 29% और बीजेपी बीएसपी के खाते में 9% गया था और इसी वजह से बीजेपी को बंपर जीत मिली थी। इसी आंकड़े को देखकर हर कोई एक दूसरे पर हमला कर रहा है, हर कोई ओबीसी को अपनी ओर समेटने की कोशिश में लगा है। अखिलेश यादव का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से सीएम योगी का 80 और 20 का गणित फेल हो जाएगा। उधर योगी का कहना है कि अखिलेश को लाने का मतलब है अपराधियों की वापसी। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। जो लोग गरीबों का छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना सागर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और एसपी की 2 दिन पहले लिस्ट आई थी। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कहना है कि 40% टिकटें उन लोगों को दी गई है जो पेशे पर अपराधी हैं। इस समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, या टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते, या श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तीसरी बार पार्टी बदल रहे हैं, इसलिए उनका एक अलग ही दावा है। उनका कहना है कि वो जिस पार्टी में जाते हैं उसी के उत्तर प्रदेश वारे न्यारे कर देती है। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम तृतीयो नास्ति। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर एक पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।